इलैक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन की डिग्री दे दो साल डिप्लोमे दे दो साल किए हुए आ पर घर दियाँ मजबूरियां करके भरा छोटा होने करके बेचारी झोने दे विच जां मजदूरी वाला काम करना पै रहा पर असीं गायकी दिखावांगे ऐसी ही मतलब कि सुरीली कला है कि चंगे चंगे नामवर गायक भी इन्हें सामने फिक्के लगनगे ते तुहाडे चो वीरपाल कौन आ जी सत श्री अकाल आओगे सानू पता चलिया सी कि दोवें भैणां इत्थे काम करदियां मैं चाहना कि आपां बाई जी इन्हां नूं उत्थे बहा के किते 10 मिनट गल कर लईए है ना कैमरामैन ओके भैणे सत श्री अकाल की हाल चाल आ ठीक हो सत श्री अकाल पता चलिया सी तुहाडी गायकी दे बारे बहुत खूबसूरत तुसी गायकी गाउणे हो जदों तुहाडी स्टडी बारे भी पता चलिया तां थोड़ा जिहा दुख लग्या कि इलैक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन की इंजीनियरिंग की डिग्री होंदी है एंड कोई छोटी डिग्री नहीं होंदी है ना तो पता चलिया कि तुसी इस इदां इत्थे मजदूरी का काम करना पै रहा तो थोड़ी त्रास की हालत जरूर है पर तुहाडी जिहड़ी कला बारे पता चलिया सी कोशिश है साडी कि तुहाडी कला नूं दिखाया जावे तां कि तुहाडी कला दे जरिए जे असीं जिन्ना कु वी असीं कुछ कर सकदे आ तुहानूं अगे लैके आउण दी कोशिश करिए की तुहाडा नाम पता की है वो पहला जरूर दस दो सर मेरा नाम वीरपाल कौर है सर जी पिंड संतपुरा सर मैं जिला मोगा की रहने वाली हूँ सर थोड़ा उच्ची बोलो सर मेरा नाम वीरपाल कौर है सर जी जिला मोगा लगता सर पिंड मेरा संतपुरा है जी हाँ जी बाकी ते आ जाओ आप बैठ के कितने गल करते हैं शामें ते स्टडी का पता चलिया कि तुसी इलैक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन की डिग्री सी कि डिप्लोमा सी सर डिप्लोमा सी छड़न दा की कारण पै गया सर घर के हालात कुछ ठीक नहीं सी सर फिर मापिया नूं ज़्यादा तंग नहीं कर सकते फिर सर इसे करके छड़ना पै गया वैसे पढ़ाई दे विच ध्यान हैगा सी जां नहीं हैगा सी किते उस करके तो नहीं छड़ना पै गया कि पढ़ाई विच ध्यान ना होवे या वाकई मजबूरियां सी नहीं सर उदां दी कोई गल नहीं हैगी बई घरी सर मजबूरी सी सर एक ब्रदर सर छोटे सीगे फिर सर मम्मी पापा नाल हैल्प करवांदे सीगे तां करके मैं चाहना कि जिथे आपां उत्थे बह के गलबात करदे आं तुहाडे नाल है ना बैठ गए इत्थे वीरपाल दे कोले तां वीरपाल मैं चाहना कि आपां सब तो पहला बाकी दियां हुण गल्लां बातां बाद चों करदे आं तुहाडी जिहड़ी कला की गल हो रही सी तां मैं चाहना कि किसे गीत दे नाल तुसीं जरूर आपां लुत्फ लैंदे आं तुहाडी गायकी दा हाँ जी सर मैनू सोने दियां डंडियां ले आ दे मैनू सोने दियां डंडियां ले आ दे ते कन्ना विच पा दे मैं तेरे कुर्बान सोनिया मैं तेरे कुर्बान सोनिया मैनू सोने दियां डंडियां ले आ दे मैनू सोने दियां डंडियां ले आ दे रेशमी परांदा ਲੈ ਦੇ ਖੱਟੇ ਰੰਗ ਦਾ ਗੁੱਛਾ ਥੱਲੇ ਦਾਰ ਮਾਇਆ ਲੈ ਦੇ ਮੈਨੂੰ ਝੰਗ ਦਾ ਰੇਸ਼ਮੀ ਪਹਿਰਾਂਦਾ ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਦੇ ਖੱਟੇ ਰੰਗ ਦਾ ਗੁੱਛਾ ਥੱਲੇ ਦਾਰ ਮਾਇਆ ਲੈ ਦੇ ਮੈਨੂੰ ਝੰਗ ਦਾ ਨਾਲੇ ਫੁੱਲਾਂ ਵਾਲੀ ਕੁਰਤੀ ਸਵਾ ਦੇ ਨਾਲੇ ਫੁੱਲਾਂ ਵਾਲੀ ਕੁਰਤੀ ਸਵਾ ਦੇ ਤੇਰੀ ਜ਼ਮੀਰੀ ਲਾ ਦੇ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਕੁਰਬਾਨ ਸੋਹਣਿਆ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਕੁਰਬਾਨ ਸੋਹਣਿਆ ਮੈਨੂੰ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਡੰਡੀਆਂ ਲਿਆ ਦੇ ਮੈਨੂੰ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਡੰਡੀਆਂ ਲਿਆ ਦੇ बहुत अच्छे परमात्मा ने बहुत खूबसूरत आवाज़ बख्शी है तुहानू वीरपाल जी मैं पूछना चाहना कि तुहाडी रूह नूं इह संकेत कदों मिले कि तुहानू पता चलिया होवे कि तुहाडे अंदर भी एक गायकी की कला है सर उदां ही वैसे गाते रहिंदे सी सर जिवें स्कूल विच कोई भी फंक्शन वगैरह हुंदा सीगा शुरू तो ही सर सोंग सीगा भी जी हाँ जी कुछ याद है कि तुसीं किहड़ी क्लास तो गाउणा शुरू करता सी सर मैं 5वीं क्लास तो सर गाउणा स्टार्ट कीता सीगा हाँ जी फिर कभी बाल सभा लगती सी सर भी सुबह सुबह सर उत्थे गाते होंगे जां कोई फंक्शन वगैरह कुछ भी होंगे सीगा सर उन्हें विच गाते ही रहिंदे सी भी भाग लैंदे होंगे सी हाँ जी ते एक जिहड़ी बड़ी त्रास दी हालत आ जिवें तुसीं मैनूं दस्सिया है ना कि तुसीं इलैक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन का डिप्लोमा जिहड़ा तुसीं करदे किहड़े ईयर 'च तुसीं छड्डिया फस्ट सैकेंड या कदों सर सैकेंड ईयर 'च छड्ड दित्ता सीगा ओह सर घर दी
ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਥੋੜ੍ਹੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ ਸਰ, ਪਾਪਾ ਵੀ ਇੰਨੇ ਜੋਗੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਸਰ ਬ੍ਰਦਰ ਵੀ ਛੋਟੇ ਸੀ, ਫਿਰ ਸਰ ਮੰਮੀ ਹੋਰਾਂ ਨਾਲ ਹੈਲਪ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਅੱਧ ਵਿੱਚ ਕਰ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਹਾਂਜੀ, ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਦਾ ਇੱਕ ਪੱਖ ਆਏ ਹੈ ਨਾ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜੇ ਉਹ ਛੱਡੀ ਗਈ ਤਾਂ ਕੁਛ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘਬਰਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦਾ ਹੱਥ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਬਹੁਤ ਖੂਬਸੂਰਤ ਕਲਾ ਬਖਸ਼ੀ ਹੈ ਨਾ। ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਵੀਰਪਾਲ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੀਤ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗਾਇਕੀ ਦਾ ਲੁਤਫ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਅਗਲੇਰੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਉਹ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ ਸਰ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ ਤੇਰੇ ਨਾਲ, ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਏ ਪਿਆਰ, ਆ ਜਾਵੇ ਮਾਹੀ ਵੇ ਮੈਨੂੰ ਤੇਰਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ, ਰਾਹ ਤੇਰੀ ਤੱਕ ਤੱਕ ਥੱਕ ਗਈਆਂ ਮੈਨੂੰ, ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸਾਰੇ, ਜਾਗਦੀ ਰਹਿਣੀਆਂ ਰਾਤਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮਜਾ ਕੇ ਉਡਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤਾਰੇ, ਛੱਡ ਗਈ ਸੱਜਣਾ ਤੂੰ ਕੱਲਿਆਂ ਮੈਨੂੰ, ਦੱਸ ਦੇ ਕਿਸ ਦੇ ਸਹਾਰੇ, ਦੀਦ ਤੇਰੀ ਨੂੰ ਤਰਸਣ ਅੱਖੀਆਂ, ਮਿਲਣ ਦੇ ਕਰ ਕੋਈ ਯਾਰ, ਦਿਨ ਰਾਤ ਇਕੱਲੀ ਹੋਈ ਤੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲੀ ਹੋਈ, ਕਦਰਾਂ ਤਾਂ ਕਰ ਸੱਚੇ ਪਿਆਰ ਦੀਆਂ, ਹਰ ਵੇਲੇ ਰੋਂਦੀ ਯਾਰਾ ਤੈਨੂੰ ਫਿਰਾਂ ਟੋਂਦੀ ਮੈਂ, ਤੇ ਸੋਚਦੀ ਰਹਾਂ ਮੈਂ ਗੱਲਾਂ ਯਾਰ ਦੀਆਂ, ਹੁਣ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਸਹਾਰ, ਜਿੱਤਿਆ ਤੂੰ ਗਈ ਮੈਂ ਹਾਰ, ਆ ਜਾਵੇ ਮਾਹੀ ਵੇ ਮੈਨੂੰ ਤੇਰਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ। ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ, ਬਹੁਤ ਖੂਬਸੂਰਤ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ, ਦਮਦਾਰ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਰਵਾਇਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਖੁਸ਼ੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸ਼ਾਗਿਰਦੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਧਾਰਿਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਨਹੀਂ ਸਰ, ਬਈ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਗਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਸਰ। ਓਕੇ। ਬਈ ਹਾਂਜੀ, ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਬਈ ਬਸ ਸਰ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਹੀ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਸੁਣ ਕੇ ਹਾਂਜੀ। ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਿਸ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਕਾਹਦੇ 'ਤੇ ਕਰਦੇ ਸੀ? ਸਰ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਬਈ ਕਦੀ ਬਈ ਰੂਮ 'ਚ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਬਈ ਕਮਰਾ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਬਈ ਗਾਉਂਦੇ ਰਹਿਣਾ, ਅਤੇ ਸਰ ਇੱਦਾਂ ਬਈ ਜਾਂ ਕੁਛ ਵੀ ਆ ਬਈ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਅਤੇ ਸਰ ਬੋਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਬਈ ਗਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਧਿਆਨ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਹਾਂਜੀ। ਹੁਣ ਫਿਲਹਾਲ ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਕੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ? ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੀ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਬਰੀਕੀ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਐਂਡ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਡਿਗਰੀ, ਇੱਕ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਲੈਵਲ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਆ, ਐਂਡ ਉਸ ਪਰਸਨ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਝੋਨੇ ਤੱਕ ਸੰਬੰਧ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਇਹ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਘੜੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਵੀ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਆਉਣਾ ਹੈ ਨਾ, ਅਤੇ ਕੀ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਾਤ ਆ ਜਾਂ ਕੀ ਮਤਲਬ ਇਸ ਵਕਤ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਇੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਸਭ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਦੱਸੋ। ਬਸ ਸਰ ਇਹੀ ਗੱਲ ਆ ਵੀ ਘਰ ਦੀਆਂ ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਆਈਆਂ ਸਰ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਸ਼ੌਂਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਬਈ ਇੱਦਾਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਸਰ, ਸਾਡਾ ਵੀ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹੀਏ ਜਾਂ ਕੁਛ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਸਿੱਖੀਏ, ਬਈ ਇੱਦੋਂ ਵੀ ਅੱਛਾ ਗਾਈਏ ਜਾਂ ਕੁਛ ਵੀ, ਅਤੇ ਬਸ ਸਰ ਘਰ ਦੀਆਂ ਹੀ ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਐਪ ਜੇ ਕੰਮ 'ਤੇ ਲੈ ਆਈਆਂ ਬਈ। ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਪੈਸੇ, ਮੈਂ ਵੈਸੇ ਜਾਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ, ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਜਾਣਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਰੱਖਦਾ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਣ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨ ਹੋ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਪੈਸੇ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਚੱਲਦਾ? ਬਸ ਸਰ ਬਈ ਘਰ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਬਸ ਬਈ ਅਸੀਂ ਫੈਮਿਲੀ 'ਚ ਸਰ ਬਈ 7 ਜੀ ਹੈਗੇ, ਬਈ ਉਹਨਾਂ ਕਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਬਈ ਪਾਪਾ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਕਰਨ ਯੋਗੇ ਹੈ ਨਹੀਂਗੇ। ਹਾਂਜੀ ਸਰ ਜੀ, ਹੁਣ ਤੱਕ ਮੈਂ ਜੋ ਵੀ ਸਟੱਡੀ ਕੀਤੀ ਸਰ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਹੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸਰ, ਬਈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਕੇ, ਬਈ ਮੈਂ ਮੰਮੀ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਰ ਇੰਨਾ ਤੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰ ਬਈ ਬ੍ਰਦਰ ਵੀ ਛੋਟੇ ਸੀ ਸਰ, ਸਿਸਟਰ ਵੀ ਛੋਟੇ ਸੀ ਸਰ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਬਈ ਇਹ ਸੋਚਦੀ ਸੀ ਵੀ ਅਗਰ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹ ਮੰਮੀ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਕਹੂੰਗੀ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਆਹ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਕਾਪੀ ਪੈਨ ਜਾਂ ਉਹ ਵੀ, ਸਰ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਦਾ ਜੋ ਵੀ ਕੁਛ ਖਰੀਦਿਆ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਦਾ ਹੀ ਖਰੀਦਿਆ, ਮੰਮੀ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ, ਤੰਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ, ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਸਰ ਪਾਪਾ ਤਾਂ ਇੰਨੇ ਯੋਗੇ ਹੈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਈ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਆਖ ਦੂੰਗੀ ਵੀ ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਆਹ ਚਾਹੀਦਾ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਉਹ ਚਾਹੀਦਾ, ਪਰ ਸਰ ਮੈਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜੋ ਵੀ ਸਟੱਡੀ ਕੀਤੀ ਆ ਬਸ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਹੀ ਕੀਤੀ ਆ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਥੋੜ੍ਹਾ ਘਬਰਾਏ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਹੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਨਰਵਸ ਹੋ ਕੇ ਹੌਲੀ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਕੀਤੀ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ
इलैक्ट्रॉनिक का डिप्लोमा तुहानू विच छड्डना पै गया है ना, कोई मलाल हैगा जे तुहानू कोई मौका मिलता दुबारा पढ़न का तां जां कोई साथी जां कोई NRI भरा तुहाडी हैल्प करदा तां तुसीं पढ़ाई नू कंटिन्यू करना चाहोगे जां इस गायकी लाइन दे विच कुछ करना चाहोगे? सर हुण तां सर 3 साल हो गए सर बई ये स्टडी नू ऑफ कीते होए सर, आउट ऑफ टच हो गए है ना। हाँ जी सर, हुण मैं बई सिंगिंग विच जाना चाहूंगी सर, यही लाइन बई ये सुपना तो तुसी सजा लिया, पर सुपना महंगा तो लाइन बहुत टेढ़ी है, इंडस्ट्री बहुत टेढ़ी है, इतने तो चंगे चंगे के पैर नहीं लगन देंगे है ना। तो फिर किदा तुसी सरवाइव करोगे? सर ये सुपने पूरे करने लई सर बहुत सारे पैसों की सर लोड़ पैंदी हैगी, पर सर एक्चुअली भी कोई भी अगर मेरी हेल्प करना चाहे तो सर ये सुपने जरूर पूरे कर सकती हैं सर मैं, तो बाकी सर नहीं तो मजदूरी तो हैगी ही है सर, कम कार तो कोई ना कोई मिल ही जाता सर भी सुनने तो बाद कुछ भी हो कोई काम कर सकते हैं। आहो फिर हूँ कोई हाथ का जो काम आते हूँ झोना तो महीना 2 महीने सीजन है ना, इस तो बाद कुछ होर ज मजदूरी के रूप में ही तो कुछ करना ही पेगा ना। तो वीरपाल मैं चाहना कि हूँ एक अद्धा गीत कुछ होर सुनाओ, क्योंकि नाल नाल तुहाडे गीत भी चलते रहने चाहिए आ, दर्शक भी थोड़ी जी आवाज़ का लुत्फ लेंदे ही रहन। हाँ जी मैं उदे पिछे मरा जग जान दा होनी पर मेरे लिए मरदा, मैं उदे पिछे मरा जग जान दा होनी पर मेरे लिए मरदा, कदे इस फुल ते कदे उस फुल ते यार मेरा तितलियां वरगा, यार मेरा तितलियां वरगा, पता नहीं जी कौन शा नशा करता है, यार मेरा हर एक से वफा करता है, चुप चुप के बेवफाइयों वाले दिन चले गए, आँखों में आँखें डाल के दागा करता है, मैं भी जान दे तू मेरे नानी भाणी नहीं कोई, तेरी प्यास मिटावा मैं पानी नहीं कोई, मेरे सामने ही ताड़दाएं होर कुड़ियां अगला के शर्मदा परदा, कदे इस फुल ते कदे उस फुल ते यार मेरा तितलियां वरगा, यार मेरा तितलियां वरगा। बहुत खूबसूरत, मैं वार बार मैनू कहना पै रहा कि बहुत खूबसूरत आवाज़ है, परमात्मा ने तुहानू बहुत वड्डी कला बख्शी है, बहुत अनमुला जिहड़ा टैलेंट तुहाडे अंदर बख्शिया, मेरे ख्याल च तुहानू निराश होण दी लोड़ नहीं है है ना। ये कला दा जिहड़ा मुल कदे भी पै सकदा अज नहीं तो कल, क्योंकि इबादतकार इबादत करन दे नाल गल बनदी है, किसी की अज बनती है किसी की कल बनती है, जे अज नहीं तो हो सकता कि आने वाला कल तुहाडे लई बहुत वधिया सिखावां होवे है ना। तां मैं दर्शकों भी दस देना चाहना कि बहुत सारे ऐसे सिंगर ने जिन्हों का मतलब कि तुक्का चल जाता है ना, ऑटोट्यूनर ते गाने वाले आ, मैं जिन्होंने आपदे मतलब कि एक फैन फॉलोइंग तो सैट कर ली है, पर उन्होंने असल गाउण का पूरा भी नहीं पता कि गाउणा है, स्टेज परफॉर्मेंस लाइव परफॉर्मेंस तो उन्होंने लत्तां कंबदियां उन्होंने गाउण दियां, इहो जिहे जिहड़े लाइव आर्टिस्ट गाउण का दमखम रखते आ, जिन्हां दे अंदर कला भी हैगी आ, बहुत बखूबीत दे नालों मतलब कि गाँवते हैं है ना। लाइव गाना कोई खाला जी का वाड़ा नहीं होंदा, स्टूडियो में तो जाना खाना गा लेंदा है ना, 10-20% इंडस्ट्री चंगा गाँवी है, पर जिहड़े अजक जो गंद पिल पै चुके है ना इस म्यूजिक इंडस्ट्री के जिहड़ा कि आने वाले समय के बहुता चंगा नहीं है, हुण भी जिहड़ा बच्चों के उपर वह बहुत माड़ा असर पै रहा, सानू पता चलिया कि यदि जी झोना ला रही पनीरी जी पुट रही थी, ये सिस्टर सी हरदीप कौर वह भी साढ़े नाल इतने है, तो मैं चाहना कि वह भी उन्होंने भी आप एक गीत सुनते हैं, तो आ जाओ हरदीप जी आ जाओ तुसी, तो देख लो कि एको घर के दो भैन दोनों ही टैलेंटड, तो सत श्रीकाल जी उन्हें बह जाओ तुम चौंकड़ी मार लो, मैं भी ऐ जो हो जाता ओके। तुसी स्टडी करते हो? थोड़ा उच्ची बोलो। प्लस टू की। मैं चाहना कि तुसी पैर बड़ा मुश्किल जिहे रखिया तो आराम नाल बह जाओ, क्योंकि बाद विच गाउण च ना दिक्कत आवे, दोवें भैन बहुत बाखूबीयत गाउंदियां जी, तो हुण तुसी अलग अलग सुनाउण दे इच्छुक हो जां दोनों कुछ इकट्ठा जुगलबंदी विच कुछ सुनाउणा चाहुंदे हो? ओके तो अखीरला तुहाडे तों गीत सुनदे आ, कुछ इकट्ठा कुछ ऐसा सुनाओ कि जांदे जांदे आपां मेला लुट लईए। यार यार ता हर कोई कहंदा,
बड़ी औखी निभानी यारी, यार बह गया नैना दे बूहे आके, ओ यार बह गया, यार बह गया नैना दे बूहे आके, खुदा दी गल की करिए, यार बह गया नैना दे बूहे आके, यार बह गया नैना दे बूहे आके, हाँ बह गया नैना दे बूहे आके, खुदा दी गल की करिए, सानू लुट लिया हो सानू लुट लिया, सानू लुट लिया नजरा मिला के, मेरा यार मेरा प्यार मेरी जान है, ओ मेरा यार मेरा प्यार मेरी जान है, मेरा दिन ते ईमान निगहबान है, मेरा दिन ते ईमान निगहबान है, ओ मेरे मन विच जोत जगा के, ओ मेरे मन विच, मेरे मन विच जोत जगा के, खुदा दी गल की करिए, यार बह गया नैना दे बूहे आके, यार बह गया नैना दे बूहे आके, हाँ बह गया नैना दे बूहे आके, खुदा दी गल की करिए, सानू लुट लिया ओ सानू लुट लिया, सानू लुट लिया नजरा मिला के। बहुत अच्छे, बहुत खूबसूरत जुगलबंदी है तुहाडी। तुसी जदों इस तो पहला कितें इकट्ठे ने परफॉर्म किया की तुहाडा की नाम सी? हाँ हरदीप। हाँ जी सर, उच्ची बोलो थोड़ा जा, कित्थे कीता? हाँ जी सर, स्कूल टाइम कीता होया। ओके ओके, ता किद्दां दी रिस्पांस मिलदा सी मतलब के बाकियां दे वल्लों? हाँ जी सर, बहुत वधिया कहिंदे सी वी बहुत वधिया अच्छी आवाज है इहनां दी, इहनां नूं म्यूजिक वाली लाइन च जाना चाहीदा, इदां मतलब कि घर दी कंडीशन बारे इस करके भी जा नहीं पाया सी। हाँ जी, ते हुण तुसी कोई चक्कर नहीं, नर्वस हो जाता बंदा। तुसी जिहड़े दर्शक देख रहे हैं कुछ वीरपाल, उन्हां नूं कुछ कहण दा इच्छा हैगी तुहाडी? कुछ उन्हां नूं कहना चाहुंदे होवो जां किसी तक कोई मलाल होवे, सरकारां तक कोई गल पहुंचाउणी चाहुंदे होवो, जां जिहड़े एम जी टेलीकास्ट दे दर्शक देख रहे ने साडे माध्यम राहीं तुहानूं देख रहे ने, कुछ उन्हां तक अपनी गुहार लाउणी चाहुंदे होवो? सर, सरकार नूं इह चाहीदा वी सर जो प्लस टू क्लीयर बच्चे आ सर, उन्होंने कुछ ना कुछ जॉब वगैरह या कुछ भी इदा का थोड़ा बहुत कम देना चाहिए सर, भी इदा तो सर पढ़े लिखे का कोई फायदा नहीं है सर, तो इस करके बस यही। जो तुम देख रहे हैं, सपोज करो भी थोड़ी कोई हैल्प करता है ना, सपोज करो थोड़ी कोई हैल्प करता, किदा का गाना पसंद करोगी? किदा का मतलब जिदा एक तो अजकल चकमा जहा चल रहा है ना, भी चक देंगे मार देंगे वढ़ देंगे है ना, खून कढ़ देंगे कृपाना मार देंगे जो जो भी है ना, उदा का मतलब है ना, जां वैलिया वाला वैलिया के नाल कुड़ी मंगी हुई है ना, कुछ इदा का या चंगा गाना चाहोगे जो तुसी इंटरव्यू विच सुनाया? क्योंकि इंटरव्यू तो मशहूर होने तो पहला दी गल्लां होर होंदियां ने, मशहूर होने तो बाद विच गल्लां होर हो जांदियां ने। सर मैं यही कहना चाहूँगी भी जो उदा का गाना चाहिए जो परिवार इकट्ठा बैठ के सुन सके, भी जिमें सूफिया ना सर ये कोई वो नहीं है, वधिया सारे इकट्ठे फैमिली बैठ के सुन सकती है, भी चंगे गीत गाने चाहिए जो मापे भी चंगा लगे, व्डे बजुर्गों भी सही लगता है भी हाँ अच्छा गा रहे हैं, सुन ली भी हो जाए मजबूर हो जाए भाई सुन ली भी हाँ ये गाने सुनना ही चाहिए। हाँ जी, चंगी सोच है तुहाडी। अखीर जे कोई संदेश देना चाहूँ जो किसी को कुछ, या तो थोड़ी आखिरी गलबात जो भी तुसी कर देती? अगर कोई भी साड़ी हेल्प करना चाहता है तो भी कर सकते हैं। शुक्रिया जी। दोस्तों ये सन साढ़े नाल बागे पुराने एरिए संगतपुर पिंड की शान वीरपाल कौर, तो शान ही कहूँगा मैं इन्हों, बेशक दी मजदूरी करते हैं तो यद मतलब यह नहीं है कि किसी पिंड की शान नहीं हो सकती, क्योंकि जो परमात्मा ने इन्हों कला बख्शी है वह व्डे व्डे बंदू 5-10 साल मेहनत करके भी नहीं मिलती, पैसों नाल भी वह कला नहीं हासिल होंगी जो परमात्मा ने इन्हों दात दिती हुई है ना। तो साढ़े नाल हरदीप ते वीरपाल दोनों भैणा ने, तुसी इन्हां दी गायकी सुन चुके हो, कितनी खूबसूरत बाकमाल गायकी है, आला किस्म दा गाउंदे ने। मैं भी अपने एम जी टैलीकास्ट वालों किसी ना किसी कहना चाहूँगा कि जे कोई चाहता
इन्हां लड़कियां दी हैल्प करना तां साडी मजबूरी है कि असीं लड़कियां दा जिहड़ा कॉन्टैक्ट नंबर आ ओह स्क्रीन दे उपर नहीं चला सकदे है ना, तां साडे एम जी टैलीकास्ट दे नंबर दे उपर सानूं कॉन्टैक्ट कर सकदा जे कोई उन्हां दी आर्थिक तौर ते कोई मदद करनी चाहुंदा है, कोई संगीतिक लाइन दे विच मदद करनी चाहुंदा है तां ओह इन्हां नूं जरूर मतलब कि संपर्क कर सकदा है साडे चैनल दे उपर नंबर अपना कॉल करके मैसेज करके। बाकी साडी जिहड़ी अज दी मुलाकात है रंधावा सिस्टर्स दा नाम है इन्हां दा, जिन्हां नूं मैं वीरपाल ते हरदीप कहूँगा कि जे कोई साडा अज दा प्रोग्राम हरदीप ते वीरपाल दा जिहड़ा साडी मिलनी इन्हां दे नाल तुहानूं किस तरह लगी आ तुसीं कमेंट बॉक्स दे विच कमेंट करके अपनी कीमती राय दे सकदे हो। जे तुहानूं साडी मिलनी चंगी लगदी है तां जे कोई भी परसन फाइनैंशियली जां कोई संगीतिक हैल्प नहीं कर सकदा तां मैं चाहुंदा कि ओह कम से कम इन्हां दी इंटरव्यू नूं शेयर करके इन्नी कोई हैल्प जरूर करे तां कि इन्हां दी जिहड़ी आवाज़ आ इन्हां दा चेहरा होर दुनिया तक वध तो वध लोगों तक इन्हों का जी आवाज़ आ पहुँच कर सके। तो आने वाले समय के असी भी कामना करते हैं कि परमात्मा इन्हों संगीतिक सफ़र के बुलंदियाँ बख्शे तो इन्हों का जोड़ा आने वाला सफ़र है उन्होंने परमात्मा जल्दी बूर पावे। सो वीरपाल तो हरदीप थोड़ा बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ जी सर थैंक यू शुक्रिया जी। अखीर मैं यही कह देना चाहना कि इदां दा होर हुनर देखण दे लई तुसीं साडे चैनल नूं लाइक कर सकदे हो फॉलो कर सकदे हो एम जी टैलीकास्ट यूट्यूब दे उपर जाके भी तुसीं सानूं सबसक्राइब कर सकदे हो। जे परमात्मा ने कोशिश की इन्हां दी आवाज़ अगे गई तो कोशिश करांगे कि असीं अपने माध्यम दे जरिए इन्हां नूं रिकॉर्ड करन दी कोशिश करिए। सो साडे नाल जुड़े रहण दे लई सानूं लाइक एंड फॉलो कर लो जी। ज़्यादा समां ना लैंदिया होया इन्ने दे नाल तुहाडे तों इजाज़त लैंदा कैमरामैन नवदीप सिंह बराड़ दे नाल मैं तुहाडा अपना होस्ट मनजिंदर कमान एम जी टैलीकास्ट शुक्रिया।